हरि ओम नारायण हरी। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्ड बड़े निकल रहे हैं, देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। कार्ड मैंने निकाले हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। जी, अब रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले ही कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस काम को लेकर के उतावले हो रहे हैं, मतलब अपनी पेशेंस खो रहे हैं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, आपके अंदर ये तूफान चल रहा है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और आपको मालूम है जिस काम को हम जल्दी करना चाहते हैं उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो हमारी सोचने विचारने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाती है, सोचने विचारने की पावर हमारी कम हो जाती है। और जब हम जल्दबाजी में कोई काम को करते हैं तो काम अगर एक बार गलत हो गया या दो बार में गलत हो गया तो हम फेड अप हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरे बस का है ही नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। और अगर आप वही काम धैर्य के साथ करते हैं तो धीरे धीरे तो होगा लेकिन बड़ी अच्छे ढंग से बनेगा, तो उसमें हम क्या नहीं होते, फेड अप नहीं होते। हमें लगता नहीं, ये नहीं लगता है कि हम पीछे मुड़ के देखेंगे या हमें इस काम को कहीं रीस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो जल्दबाजी वाले काम में ऐसा होता है। तो ये तो दो आपको आज की रीडिंग के लिए ये दो आपको इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है। एक जल्दबाजी नहीं, धैर्य, और धैर्य के साथ काम करें, इम्पेशेंट होकर ना करें, क्योंकि फिर आप फेड अप हो जाएंगे। अगला कार्ड बड़ा पॉजिटिव है। अगला कार्ड कह रहा है कि जो आपने जल्दबाजी दिखाई है और काम आपका कुछ बिगड़ा है, जैसा आप बनाना चाह रहे थे वैसी बात नहीं बनी है, ये फैमिली इशू भी हो सकता है, ये कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, तो आप अपना रिन्यूअल करें, अपना क्या कहते हैं उसको, नवीनीकरण करें। तो इन दो चीजों को हटा दें, इन दो चीजों को हटा करके अपना रिन्यूअल करें। और इसमें जब आप नए तरीके से काम को करेंगे, नए ढंग से आप करेंगे, तो आप अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। आज का काम ऐसा बता रहा है कि आपका जो काम है ना वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो सकती है, तो आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो उन लोगों का काम तो वैसे ही बड़ी पेशेंस वाला होता है,
कि अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो फिर बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। तो आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और आप जो आप नए ढंग से अब शुरू कर रहे हैं, आपको इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। आपका ये काम बहुत तेजी से बहुत आगे तक बढ़ने वाला है, क्योंकि आप इतनी अच्छी सर्विस देंगे, इतनी अच्छी सर्विस देंगे कि लोग आप ही के पास से काम करवाना या आप ही की सर्विस लेना पसंद करेंगे। बस आपका दो चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो दो चीज़ें हैं, जल्दबाजी नहीं, और जल्दबाजी नहीं तो फिर आपका मन उचाट नहीं होगा। देखिए, जब आप सर्विस की फील्ड में हैं तो आपको क्या करना है कि लोग सर्वे आपकी सर्विस लेने से पहले आपसे कई क्वेश्चन भी करेंगे, कई तरीके की बात भी पूछेंगे। तो आप अपनी जो आप काम करते हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसका बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर देते भी हैं और दीजिएगा भी। आप बहुत अच्छा उसका देते हैं, इसीलिए तो आपका काम जो है बढ़ रहा है, और आप वर्क हॉलिक हो रहे हैं। तो आपका जो काम है वो अब लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको समय की कमी महसूस हो रही है, आपके पास इतना अधिक काम आ रहा है और आप इतना अधिक अच्छे से कामयाब हो रहे हैं, और कार्ड्स जो बता रहे हैं, मैं तो वही बात करूंगी, आप इतने अच्छे ढंग से काम को कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और वो जो आप एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना, क्योंकि सर्विस में तो व्यवहार ही होता है, तो आप जो अच्छा बिहेव लोगों के साथ कर रहे हैं, और जो आपको एक समझाने का अपने काम के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में कि हम क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो बताने का जो एक ढंग है, बताने का जो आपका एक स्टाइल है, वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेरीज करने आता है तो आप उसको बड़ा सेटिस्फैक्टरी और बड़ा उसे संतुष्ट करके भेजते हैं, आपका बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर होता है और लोग आपके आंसर से सेटिस्फाइड होते हैं। अब आपको इस सारे माहौल में क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस में बनाना है? बैलेंस बनाना है अपने काम में और अपने परिवार में, क्योंकि आप काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, आप अपने काम में इतने बिजी हैं कि आपको परिवार को देने के लिए समय नहीं रहा, बच रहा आपके पास। तो आप उसके लिए बैलेंस बनाएं, अपने काम को एक एक मतलब सिस्टम दें, सिस्टम दे अपने काम का, एक सिस्टम बनाए, और जो आप सर्विस दे रहे हैं उसको तो आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन वो बाहर के अपने काम में अपने परिवार को भी देखें, उनको भी समय दें, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं, अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा समय के भी मैनेजमेंट करिए, थोड़ा समय भी उनके लिए निकालिए, ताकि वो भी आपसे प्रसन्न और संतुष्ट रहें, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते परिवार छूट जाए तो उस पैसे का भी क्या फायदा। तो आप अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, उनको समय दें, उनके साथ एंजॉय करें अपने परिवार के साथ, तो आप और सेटिस्फाइड
अपना काम शांत मन से करेंगे। अभी तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, घर जाते हैं तो सुनते हैं कि आपके पास तो समय ही नहीं है हम लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा अपने परिवार के लिए भी समय निकालें, जरूर निकालें, क्योंकि परिवार ही आपका सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप ही के सहयोग से उस चैनल का आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप चाहेंगे तो मेरी वाणी जन जन तक जाएगी, क्योंकि उसमें हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने काम को इम्पार्शल होके करिए, कोई पक्षपात ना करिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव मत करिए, और चाहे वो आपका स्टाफ हो उसके साथ भी कोई भेदभाव ना करिए, चाहे कोई पार्टी हो, कोई ऐसी स्थिति हो कि उन दो पार्टीज के बीच में आपके जो क्लाइंट्स होंगे उन दो क्लाइंट्स के बीच में कोई भेदभाव ना करें, सबको एक समान लें और सबको एक जैसी सर्विस दें, इम्पार्शियल होकर दें, निष्पक्ष होकर के दें, किसी एक पक्ष का साथ ना दें, जो जितने पक्ष हो उन सब का ईमानदारी के साथ और पेशेंस के इम्पार्शियलिटी के साथ काम करें। देखिए जो डेस्टिनी है वो आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, समय आपके साथ है, सफलता आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है, और आप के मन में एक संतोष है वो भी आपके पास है। इतनी पॉजिटिविटी आपके साथ होने के बावजूद आपको दो हिदायत दी शुरू में ही कि आप जल्दबाजी ना करें। बस तो जो ये मैंने सारी बातें अभी बताई कि क्या क्या आपके साथ है, सदैव आपके साथ रहेगा, सदा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, और आपको ना काम की कोई कमी होगी ना आपके पास धन की कोई कमी होगी, ना प्यार धन की कमी है ना आपके पास प्यार की कमी है, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप संतुष्ट होकर काम करेंगे, प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत है। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी आज की, और अगर आपको ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, और जितना मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे उसको अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि अधिक से अधिक मेरी वाणी लोगों तक पहुंचे ये वाली, और लोगों को राह मिले, अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो उसका कंफ्यूजन दूर हो। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरि।